और अब आपको बताएं कि दूध बेचने वाला कैसे बना अरबपति, कौन करेगा इनका एहतसाब, कब जागेंगे मुल्की एजेंसीज इदारे, FBR नोटिस जारी करने के बावजूद रिकवरी टैक्स क्यों नहीं कर रही, मुल्की खजाने को इतना बड़ा नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है, दिल दहला देने वाली स्टोरी आए जानते हैं इस वीडियो क्लिप में। देव नगरी चौपट राज, सियासतदान तो सियासतदान, इनके फ्रंटमैन भी अरबपति बन गए। जी हाँ, जो कल दूध बेचते थे आज अरबपति बन गए। अजब करप्शन की गजब कहानी। ये कहानी है मुस्लिम लीग दून के मरकजी रहनुमा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राणा तनवीर हुसैन के समदी और फ्रंटमैन राणा इकबाल की। ज़राए के मुताबिक अरबों रुपए की जायदादें कराची, लाहौर और शेखुपुरा में बनाई गईं, जिनमें ताहर उमर इंडस्ट्रीज पुरीद के, ताहर उमर इंडस्ट्रीज धाबेची कराची, ताहर उमर यूनिट बिन कासिम कराची, लाहौर कैंट में 8 कनाल की कोठी, ठोकर नियाज बेग में 4 कनाल का घर और मुरीद के में 3 लग्जरी घर। यही नहीं, लाहौर, कराची और मुल्क के दीगर शहरों में भी बेशुमार खुफिया जायदादें। आखिर कहां से आईं? क्या एक दूध बेचने वाला हक हलाल की कमाई से ये सब कुछ बना सकता है? हकीकत जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये सारी ब्लैक मनी लीगी रहनुमा राणा तनवीर हुसैन की है, जिसने अपनी बेनामी जायदादें अपने संधी और फ्रंटमैन राणा इकबाल के नाम पर रखी है। ये जायदादें मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, ठेकों की किकबैक्स और बैंकों से फ्रॉड के जरिए बनाई गई हैं। मुल्के खुदादाद में है कोई इन ताकतवर करप्ट माफिया से पूछने वाला? क्या नैब इन पर हाथ डाल सकती है? क्या FIA इस लूटमार से मुतल्लिक राणा तनवीर हुसैन से पूछगिछ कर सकती है? इन सवालों का जवाब पाकिस्तानी अवाम मांगती है। धंधा है पर गंदा है। अभी और भी बहुत कुछ जो जल्द अवाम के सामने लाएंगे इंशाल्लाह।